एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनिशा स्टाइल्स और मैं हूँ अनिशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक बिगिनर्स का अफोर्डेबल मेकअप लुक। एस फ्रेंड्स, आप बिगिनर्स हो, आपको मेकअप करना जानते नहीं हो तो आप इजी से मेकअप कर सकते हो विथ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। एस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सब कुछ जो है वो है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही आपके साथ जो है वो है शेयर किया है, क्योंकि बिगिनर्स के पास जो है वो इतना खर्चा करने को नहीं होता है, इसलिए मैं सब कुछ जो है वो है अफोर्डेबल में ही दिखाती हूँ। और ये सब कुछ जो है मैं प्रोडक्ट जो है वो है अफोर्डेबल के ही है, इधर सब कुछ, इवन ब्यूटी ब्लेंडर भी जो है वो है अफोर्डेबल है। ए टू जेड जो है मैं अफोर्डेबल मेकअप दिखा रही हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के लिए वीडियो में एंटर हो जाते हैं। वीडियो में एंटर होने से पहले मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल बटन होगा ना उसे भी ऑन कीजिए, क्योंकि मेरे जो सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। और कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिशा स्टाइल्स। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के लिए वीडियो में एंटर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पर नेविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। एंड आपका करंटली कौन सा भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र हो तो आप यूज़ कर सकते हो, यही नहीं कि मैं यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, आपको वही यूज़ करना चाहिए। एंड मॉइस्चराइज़र को ना कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, कौन सा भी सीज़न हो। और आता है लिप बाम। लिप बाम के लिए मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। फिर आपकी मर्जी, आपका कौन सा भी करंट फेवरेट लिप बाम हो तो आप यूज़ कर सकते हो। विंटर्स में लिप बाम कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में ना होंठ ना बहुत फटे फटे होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं लिप्स, इसीलिए कभी भी ना स्किप नहीं करना चाहिए लिप बाम को। बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। मेकअप का जो फर्स्ट आता है वो है कि प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर ये पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा प्राइमर है ये। एंड हमें प्राइमर को भी कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेकअप जो है वो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है और हमारा फेस ना ख़राब नहीं होता है। मेकअप जो है वो केकी नहीं होता, आपका फाउंडेशन जो है वो है ब्लैक नहीं पड़ता, आपका मेकअप जो है वो बहुत फ्लॉलेस लगता है अपने स्किन पर। बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट जो है पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। एस फ्रेंड्स, ये मेरा ना बहुत फेवरेट हो चुका है, ये बहुत अच्छा बीबी क्रीम है। ऐसे कंसीलर की तरह भी मैं इसे ही यूज़ करूँगी, मैं सेपरेट कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होता है, पूरी तरह डॉट डॉट करके मैंने अप्लाई किया है बीबी क्रीम। एंड पहले मैं अपने फिंगर से जो है वो है अच्छे से ब्लेंड करूँगी, एंड उसके बाद जो है मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद जो आता है ब्यूटी ब्लेंडर, मैं ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इधर आपको अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, आप कितने अच्छे से आपका फाउंडेशन हो या बीबी क्रीम हो अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, तभी आपका मेकअप जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा दिखेगा अपने फेस पर। जो आता है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट के लिए मैं यहाँ पर ये लैक्मी का रोज़ कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ विद सनस्क्रीन। आपको सेपरेट से सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन जो है वो है अवेलेबल रहता है। इसमें स्पॉन्ज भी आता है, आपको चाहे तो स्पॉन्ज की मदद से आप अच्छे से कॉम्पैक्ट जो है वो है अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप डैप ब्यूटी ब्लेंडर से भी, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। लूज पाउडर ढूंढ रहे हो तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक लूज पाउडर है। इसका प्राइस है ओनली अराउंड 170 रुपीज़, 200 के अंदर ही आपको आराम से मिल जाता है। मैं कर रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर लियान का 9 कलर HD पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एंड इसमें से मैं ये ट्रांजिशन शेड जो है वो है यूज़ करूँगी अपने आईज़ पर। आपको
आई शेडो जो है वो है अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए अपने आईज पर। एंड मैं यहाँ पर मेरा ड्रेस का जो भी मैचिंग कलर है मैं वो ही ले रही हूँ। बाद में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एस्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन द शेड 05। इसमें से मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैक कलर ना मैं यहाँ पर आउटर कॉर्नर्स में जो है वो है अप्लाई करूँगी। बहुत एक लाइट से मैं अप्लाई करूँगी, बहुत डार्क से नहीं अप्लाई करूँगी। मैंने कुछ ऐसा अप्लाई किया है सब ब्लैक। जो मैं लगाऊंगी काजल, काजल के लिए मैं यहाँ पर ये मेबेलिन का काजल यूज़ कर रही हूँ। एंड इस काजल को ना मैं एज ए लाइनर की तरह भी अप्लाई करूँगी, एज ए काजल की तरह भी अप्लाई करूँगी। जो है वो है काजल अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। जो है वो है कि लाइनर, आपको एक अच्छे से पतली सी लाइन जो है वो है ड्रॉ करनी है। बाद होता है आईब्रोज। आईब्रोज को मैं जस्ट स्पूलिंग ब्रश से ही अपने आईब्रोज को ऐसा शेप दे दूंगी, एक नेचुरल सा शेप। मैं आई मेकअप कंप्लीट करती हूँ, यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्लू हेवन का मस्कारा ही है। एंड आपको ऐसा जो ऐसा कर्ल के टाइप आपको आता है ऐसा मस्कारा, आपको अच्छे से अपने लैशेस जो है वो अच्छे से कर्ल कर सकते हो। इधर ये स्विस ब्यूटी का पैलेट जो है ये पैलेट से ही मैं इधर ये वाइट शेड जो है वो मैं एज ए हाइलाइटर की तरह यूज़ करूँगी अपने फेस पर। फिंगर से जो है वो है स्लाइटली अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा अपने फेस को जो है वो है हाईलाइट कर लूँगी। लास्ट स्टेप होता है वो है कि लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर ये NYB का रेड कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड 29 है। आपको लिपस्टिक लगाते वक्त ना पहले आउटर कॉर्नर्स जो है वो है अच्छे से फिल कर लेना चाहिए, एक आउटर लाइन देना चाहिए। उसके बाद जो है आपको अंदर से अच्छे से फिल करना चाहिए अपने लिपस्टिक को। जो है वो है अप्लाई कर लिया है, वो आप देख सकते हो। एंड दिस वॉज माई फाइनल लुक। बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा ये लुक जो है वो है आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर ज़रूर से एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर पहली बार आए हो तो पहली बार विजिट किए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मेरे वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कैनिशा स्टाइल्स। और चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।